अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज आपका क्लास एट का जो साइंस का चैप्टर है सिक्स कम्बस्टन एंड फ्लेम, उसके एमसीक्यूज बताएंगे जो कि आपके क्लास नाइन्थ के एंट्रेंस में आ सकते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। एक तो आप अपने डाउट्स वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, और दूसरा जो है बिल्कुल एमयू के पैटर्न पर ही क्विज होते हैं वहाँ पर, तो अगर आप उन्हें अटैम्प करेंगे तो उससे भी आपकी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज इंक्रीज हो सकती है। अगर तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन है इस चैप्टर से आपका कम्बस्टन एंड फ्लेम से, वो है कम्बस्टन इज अ रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद। कम्बस्टन के अंदर जो सब्सटेंस होता है वो किस गैस से रिएक्ट करता है, तो हमेशा जो कम्बस्टन होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑक्सीजन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूल में भी फ्यूल कैसा हो सकता है, तो ये आपका तीनों ही उसमें फॉर्म में पाया जा सकता है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस में। अगर बात करें सॉलिड में तो सॉलिड में आपका जैसे कि कोल है, वुड है, ये सब सॉलिड कैटेगरी में आ जाता है फ्यूल में। और लिक्विड की अगर बात की जाए तो आपका पेट्रोल हुआ, केरोसिन, ये सब जो है आपका फ्यूल के लिक्विड फॉर्म में आता है फ्यूल में। और गैस में अगर बात की जाए तो ये मीथेन हुआ, जैसे कि आपका एलपीजी सिलेंडर है, सीएनजी, तो ये सब जो है आपका गैस के फॉर्म में आपको फ्यूल में मिल जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो एल डी ऑल ऑफ दीज, तीनों ही फॉर्म में आपको ये फ्यूल मिल सकता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कम्बस्टेबल, यानी कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि जल जाएगी, जिसको हम लोग जला सकते हैं, तो पेपर, स्टोन पीसेस, ग्लास, आयरन नेल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, पेपर को हम लोग इजिली बर्न कर सकते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्बस्टन इज अ, कम्बस्टन जो है वो कैसा प्रोसेस है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है केमिकल प्रोसेस है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्यूल ऑफ अवर बॉडी, हम लोग की बॉडी के लिए इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि फ्यूल की तरह एक्ट करेगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए फूड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड, वो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जिसमें किसी भी सब्सटेंस को फायर लग जाती है, निजलना स्टार्ट हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है इग्निशन टेम्परेचर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, इनमें से कौन सा ऐसा है कि जब उसको जलाएंगे तो उसमें से फ्लेम नहीं निकलेगी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए पेट्रोल। इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग फायर इज, हम लोग को फायर को जलाने के लिए क्या चीज़ की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, फ्यूल, एयर, हीट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी ऑल ऑफ दिस। फायर एक्सटिंग्विशर ये कैसे होते हैं, तो ये सबसे पहले तो हम लोग को एयर का सप्लाई को कट कर देते हैं और ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल, तो ये जो फ्यूल का टेम्परेचर होता है उसको भी कम कर देते हैं, यानी ठंडा कर देते हैं कोई भी चीज़ होगी, और एयर का सप्लाई कट कर देते हैं जिसकी वजह से हम लोग की फायर जो है वो थोड़ी देर के बाद बंद हो जाती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी बोथ ए एंड बी। फॉर कम्बशन डैश इज नेसेसरी, कौन सी इनमें से ऐसी चीज़ है जो कि कम्बशन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए एयर। रैपिड कम्बशन इज, रैपिड कम्बशन क्या होता है, व्हेन गैस बर्न्स इट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, जब भी हम लोग गैस को जलाएंगे और उसमें से हीट एंड लाइट निकलेगी तो वो आपका जो है रैपिड कम्बशन में आ जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्यूल आर यूज फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, कौन सा ऐसा फ्यूल है जो कि ऑटोमोबाइल्स को चलाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी डीजल। When magnesium ribbon burn, it produce, जब भी हम लोग magnesium ribbon को burn करेंगे तो क्या चीज़ produce करेगी, इसका होगा magnesium, magnesium oxide। Charcoal burns in air producing, charcoal जो है जब भी हम लोग उसको burn करेंगे तो वो air में क्या चीज़ produce करता है, तो इसका correct option है वो है A, carbon dioxide। Which is the hottest part in the flame of the candle, जब भी हम लोग candle को जो है बर्न करते हैं तो उसमें कुछ फ्लेम्स होती हैं, तो फ्लेम का सबसे हॉटेस्ट पार्ट कौन सा होता है, तो है आपका ए ब्लू। इनर मोस्ट जोन इज द, सबसे इनर मोस्ट जोन कौन सा होता है, तो ये आपका है इसका सी लीस्ट हॉट पार्ट। उसका है इनकम्प्लीट कम्बशन गिव्स, जब भी हम जो है कम्बशन इनकम्प्लीट होगा तो वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी कार्बन मोनोऑक्साइड। गोल्ड स्मिथ यूजेज डैश पार्ट ऑफ द फ्लेम फॉर मेल्टिंग गोल्ड, जो गोल्ड स्मिथ होते हैं वो गोल्ड को पिघलाने के लिए
फ्लेम का किस पार्ट का यूज करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए आउटर मोस्ट। अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव हीट इज कॉल्ड, वो केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हम लोग को उससे हीट मिलती है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कंबस्शन। सी फ्यूल में भी, फ्यूल कैसा हो सकता है, तो ये आपका सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों कैटेगरी में, तीनों स्टेट में पाया जाता है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ डैश फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू, जो जितनी भी हीट प्रोड्यूस होगी जब हम लोग कंप्लीट कंबस्शन करेंगे तो उसमें कितने हम लोग को जो है फ्यूल को जलाना पड़ेगा, तो हम लोग को उसमें कैलोरीफिक वैल्यू मिलेगी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए 1 kg। यानी हम लोग जब भी 1 kg फ्यूल को बर्न करेंगे तो उसमें जितनी भी हीट हम लोग को मिलेगी कंप्लीट कंबशन करने के बाद, वही उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। चले, अ पर्सन कॉट फायर ऑन क्लॉथ इज रैप्ड विद ब्लैंकेट बिकॉज, जब भी किसी पर्सन के जो है फायर जो है लग जाती है, कोई इंसान अगर जल रहा होता है तो उसके उसको हम लोग जो है ब्लैंकेट से पूरा कवर कर देते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं, तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो है टू रिड्यूस एयर सप्लाई एंड पुट फायर ऑफ, तो इससे हम लोग का जो है उसका एयर सप्लाई कट कर देते हैं, तो जैसे ही एयर सप्लाई कट करते हैं तो जितनी भी फायर होती है वो जलना बंद हो जाती है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वह बी द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर। एक्सप्लोजन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस अंडर प्रेशर ड्यू टू सडन रिएक्शन, एकदम से अगर जो है रिएक्शन होगा और बहुत ज़्यादा उसमें से जो है अमाउंट गैस निकलेगी ज़्यादा प्रेशर देने पे, तो वो आपका एक्सप्लोजन पे आ जाएगा। कैलोरीफिक वैल्यू गिव्स, कैलोरीफिक वैल्यू से हम लोग को क्या मिलता है, तो इसका जो है हम लोग को उसकी फ्यूल की इफिशियंसी पता चल जाती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए फ्यूल इफिशियंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइडियल फ्यूल हैज़, आइडियल फ्यूल की कितनी कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, यानी उस ज़्यादा अमाउंट में हम लोग को हीट दे तब हम लोग मानेंगे कि वो हम लोग का आइडियल फ्यूल है। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर जो कि आपको बुझाता है वो कौन सा है, तो है वाटर। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंबशन डैश इज गिवन आउट, जब भी कंबशन होता है तो क्या चीज़ जो है निकलती है, तो हीट एंड लाइट दोनों चीज़ें जो है बाहर आती हैं। Use of dash in vehicles reduce pollution, क्या चीज़ का हम लोग अगर use करेंगे vehicles में तो जिससे कि pollution कम होगा, तो होगा आपका option A correct है CNG। Which is better domestic fuel, इनमें से कौन सा ऐसा domestic fuel है जो कि ज़्यादा better माना जाता है, इसका correct option है A LPG।